Hello students, today we will study about the class 9 chapter motion. Motion means we can say that we have to first understand about the rest. State of rest or state of motion. Firstly, we will पहले हम लोग देखते हैं motion के बारे में. Now, motion means जैसे हम लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, चलते हैं, तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि motion में है या rest में है. We are in rest or motion. So, firstly, motion means we can say that motion is a change of the position with time, which means that if we are moving or we are changing our position with time, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपना जगह बदल रहे हैं, स्थिति बदल रहे हैं समय के अनुसार, समय के साथ साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. ठीक है, और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे हम जाके कहीं रुक जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर, और कंटिन्यूसली भी मूव करते रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी रेफरेंस. वी हैव टेकन द रेफरेंस एज अ टाइम, कंटिन्यूसली विथ रेफरेंस टू अ पॉइंट, पर्टिकुलर एक पॉइंट को भी रेफरेंस ले सकते हैं हम. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को, जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, स्कूल है, स्कूल से घर गए, घर से स्कूल हैं, तो एक रेफरेंस ले लिया, स्कूल, स्कूल से हम दूर गए या स्कूल के पास आए, तो ये क्या हो गया, एक रेफरेंस हो गया. सो मोशन एक आप सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए तो अपनी जगह से दूसरी जगह बदल देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी आर इन मोशन, वी आर डूइंग मोशन. उससे पहले उसके बाद एक रेस्ट है, रेस्ट को अगर हम जान लें तो हमको पता लग सकता है कि मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है. जैसे अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, एक बॉडी जो है अपना पोजीशन नहीं बदलता है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, रुका हुआ है. क्या है, रुका हुआ है. जैसे बॉडी है, यहाँ पे 2 बज रहा है और यहाँ पे है, अभी भी यहीं पे है, टाइम निकलता जा रहा है. क्या हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है. तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वो अभी तक यहीं पे है, जैसे हम कह सकते हैं 2:30 बज रहा है तो भी यहीं पे, तो वो क्या हो गया, रेस्ट में. और यही एक बॉडी अगर आपका 2 बजे यहाँ पे है और आधा घंटा में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ समय कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ इन मोशन. क्या है, मोशन. ठीक है, मोशन का जो मेनली टाइप्स होता है, यहाँ पे हमको सारे टाइप्स नहीं देखने हैं इसमें सारे, ठीक है, जो मेन टाइप्स है मोशन का, मेनली मोशन का 3 टाइप्स होता है. ठीक है, इन 3 में ही बाकी सारे टाइप्स आ जाते हैं आपके. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला सर्कुलर मोशन. ठीक है, सर्कुलर मोशन सिंपली अगर देखा जाए तो ये एक सर्कुलर पाथ होता है, यानी वृत्त पाथ. ठीक है, गोल पाथ जिसको हम कहते हैं, इस डायरेक्शन में कोई मूव करता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं. सेकेंडली जो है आपका लीनियर मोशन आता है. लीनियर मोशन का मतलब होता है जब बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जांपल, घर से स्कूल, स्कूल से घर आप आते हो जाते हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लीनियर मोशन. एंड द लास्ट वन इज नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन. ऑक्सीलेटरी मोशन आपने पढ़ा होगा पहले भी, पीरियोडिक और ये पेंडुलम मोशन जो है, जैसे टू एंड फ्रो कह सकते हैं, टू एंड फ्रो विथ टाइम, टाइम के अनुसार क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो एक ही जगह पे, जैसे पेंडुलम है आपका,
तो एक्सट्रीम, ये दैट इज़ अ मेन पोजिशन और एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम टू मेन, मेन टू एक्सट्रीम कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं एक ऑक्सिलेटरी मोशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन। तो मोशन देखा, अब वीकेंस, अब हमें पता होना चाहिए कि मोशन को कैसे हम मेज़र करते हैं। मोशन को दो क्वांटिटी से हम मेज़र करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बट उससे पहले हम एक क्वांटिटी देख लेते हैं नोन एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मींस, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर एट द प्लेस यू आर लिविंग, एनी हाउस, होम, कुछ भी कह लो। तो अगर आप इससे, हम कहते हैं इससे आपको 65 किलोमीटर दूर जाना है, फार फार, यानी आपको इससे 60 किलोमीटर दूर जाना। तो 60 किलोमीटर आपको दूर जाना है, तो जिधर से आपके घर से रास्ता हो उधर से ही जाओगे। इन दिस आपको डायरेक्शन तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट्स ओनली नीड मैग्नीट्यूड। और अगर वी कैन से दैट आपको 60 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में जाना है, किधर जाना है, साउथ डायरेक्शन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और आपका डायरेक्शन भी आ गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका इसमें आ जाएगा डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि कितना बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, चल रहा है, डिस्टेंस। और सेकेंडली इसमें हम देखें एग्जाम्पल हो गया स्पीड आपका, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और क्या आपका और भी आ सकता है, वेलोसिटी। इसी चैप्टर में आगे देखेंगे इन सब टर्म सबको, हमको तो सारे सब टर्म समझ में आ जाएंगे। बट स्केलर और वेक्टर बस इतना समझिए कि स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई काम हम नहीं करते हैं। जैसे बताया आपको 60 किलोमीटर से घर से दूर जाना है, तो जितना हमको बस जो रास्ता उसी से जाएंगे, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से स्केलर हो गया। वेक्टर क्या हो गया, अगर 60 किलोमीटर अगर हम कह दें आपको साउथ डायरेक्शन में जाना है, तो हम रास्ता नहीं देखेंगे, हमें साउथ डायरेक्शन में जाना होगा। तो इसको क्या कह देंगे, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज़ अ डायरेक्शन। यहाँ पे ओनली क्या आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या हो जाएगा आपको, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ यानी अब जितना दूर हम चल रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस। सब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, जैसे भी जा रहे हैं, सबको हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, तो सब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका। अब वही आपका अगर मैं बात करूँ इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो दिस विल बी योर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। जैसे इसी में देख लो, आप पहले ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर इधर गए, इधर गए, ऐसे चलते चले गए। तो हम डिस्टेंस में ये सब को ऐसे मेज़र करेंगे जितना ये सब हो रहा है, जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दिस इज़ इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज फाइनल पोजिशन। तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। और इसीलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, बिकॉज इन दिस वी ओनली सी द मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। और इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इन विच वी कैन सी द डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा पॉजिटिव में होगा, ये हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से चले घूम फिर के यहीं आ गए, यहाँ से चले इधर जाके, इधर जाकर फिर यहीं चले आए, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव और ज़ीरो होगा। और क्या हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है,
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा वो ही बताते हैं। जैसे हम यहाँ से चले हैं यहाँ के, तो इसमें तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा ना। अगर 2 मीटर हम चले तो 2 मीटर आपका डिस्टेंस भी होगा, 2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। और डिस्प्लेसमेंट का क्या खासियत है, डिस्प्लेसमेंट का ये है फीचर कि ये इक्वल तो हो सकता है, जैसे अभी आगे देखा मैंने ये वाला कि यहाँ पर डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल टू डिस्टेंस, बट इक्वल तो है मगर ये क्या है, आप हमेशा डिस्टेंस है या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा, लेस देन डिस्टेंस। देखा कैसे, ठीक है कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, ये जा रहे हैं हम जा रहे हैं, इसको जोड़ते चले गए, तो ये सब क्या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बस इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, वो क्या हो गया आपका डिस्टेंस। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का समझने के लिए से एक पर्टिकुलर एक लाइन लेते हैं जो ओ है, यहाँ पे ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये सब क्या है, वन, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या है 4 है यूनिट्स। तो अगर हम कहते हैं कोई पर्टिकुलर एक आदमी को, कोई भी कहाँ से गया ओ टू डी, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपका क्या है 1, 2, 3 एंड 4, 4 यूनिट्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ये दोनों क्या आ गया सेम। कब, जब पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और सिंपली कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। अब अगर हम मूव करते हैं ओ से गए हैं डी पे और डी से आ गए बी पे, कहाँ आ गए बी पे, तो डिस्टेंस क्या होगा, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल गए ओ टू डी प्लस डी टू बी, तो ओ टू डी आपका कितना है 4 है, 1, 2, 3, 4, और फिर आपका डी बी कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 1 एंड 2, टोटल कितना हो गया 6 यूनिट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, कहाँ जाना है हमको मेनली, कहाँ कहाँ गए ओ से गए डी पे, डी से गए बी पर, तो यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ कि इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ये हो गया। अब फाइनल पॉइंट क्या हो गया, डी गए और डी से कहाँ चले आए बी पे चले आए, तो ये फाइनल पॉइंट है। डिस्टेंस किसके बीच में देखेंगे, ये दोनों के बीच में। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो क्या है डिस्टेंस आपका इनिशियल फाइनल के बीच, ओ टू बी यानी ओ बी हो गया, तो ओ बी इज़ अ 2 यूनिट। तो यहाँ पे हम देखा कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, पहले हम सीधा गए, दोनों सीधा गए कहाँ ओ टू डी, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 यूनिट, देन इट इज़ अ 4 यूनिट। अगेन वी हैव टेकन द सेकेंड केस इन विच वी हैव वेन टू 0 टू डी, डी टू टू बी, हम लोग दूसरे में देखा 0 टू डी गए, डी से आए बी पे, तो यहाँ पे क्या हुआ डिस्टेंस इतना चलते हैं हम उसको जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ गए तो 4 हुआ, 4 से फिर यहाँ गए तो 2 हुआ, तो कितना आ गया 6। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में आपका होता है डिस्टेंस डायरेक्शन जहाँ चेंज होता है वो क्या होता है आपका माइनस हो जाता है। या तो आपको दो कॉन्सेप्ट लेके चलो, या तो इसको माइनस करो, दिया है तो ये 4 यूनिट, अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो 4 में से आपका क्या है 2, इसको फिर से हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा। और अगर हम सिंपली ऐसे देखेंगे ज़्यादा आपको एग्जांपल है कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो ओ से डी गए डी से बी आए, तो इनिशियल ये हो गया फाइनल ये हो गया, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस हो गया आपका ओ टू बी, तो ये हो गया 2 यूनिट्स, ठीक है।